महाराष्ट्र में बीजेपी हुई सक्रिय, राज्यपाल से मिले देवेंद्र फडणवीस, बोले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे, शिवसेना के 39 विधायक नहीं रहना चाहते उनके साथ अल्पमत में सरकार। राज्यपाल से मिलने से पहले दिल्ली गए थे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। उद्धव ठाकरे की फिर से बागी विधायकों से बातचीत की अपील, कहा आप मेरे सामने बैठे हैं अभी नहीं हुई देर। सियासी संकट के बीच सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं लगता एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है। उद्धव ठाकरे की अपील के बाद बोली सुप्रिया सुले, कहा सरकार आती जाती रही है, रिश्ते लंबे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर मंडराते संकट के बीच एक्शन में सीएम उद्धव ठाकरे, मंगलवार को बुलाई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला, उद्धव ठाकरे नहीं देंगे सीएम पद से इस्तीफा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फोन पर हुई बातचीत, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सियासी मैदान ना छोड़ने की दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है शिवसेना, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया तो शीर्ष अदालत का रुख करेगी पार्टी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा जब तक बागी विधायकों पर कोई फैसला नहीं हो जाता फ्लोर टेस्ट संभव नहीं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सहयोगी दल उद्धव के साथ, एनसीपी में भी बैठकों का दौर जारी, सहयोगी दलों की ओर से दावा सरकार पर कोई संकट नहीं। सूत्रों से खबर, दिल्ली में वेट एंड वॉच नीति में बदलाव का हुआ फैसला, गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस और महेश जेठमलानी की हुई थी बैठक। बागी विधायकों से उद्धव की भावुक अपील पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, ट्वीट किया एक तरफ शिव सैनिकों को गालियां दी जा रही, दूसरी तरफ आप हिंदू विरोधी आघाड़ी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज मुंबई के गोरेगांव इलाके में जूनियर ठाकरे कर सकते हैं बड़ी रैली, 3 दिन से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे आदित्य ठाकरे। असली हिंदुत्व जंग के दौरान महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने पर विचार। कुछ निर्दलीय विधायक लिख सकते हैं राज्यपाल को चिट्ठी, महाविकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज शाम अपने साथी विधायकों के साथ आ सकते हैं गुवाहाटी से मुंबई, 39 विधायकों के साथ होटल में शिंदे हैं मौजूद। एकनाथ शिंदे का दिल्ली आने से इनकार, कहा मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली, शिंदे ने दोहराया अल्पमत में उद्धव सरकार। एकनाथ शिंदे ने फिर शिवसेना पटों का दावा, कहा हम शिवसेना में ही हैं, अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे। गुवाहाटी में कल रात एकनाथ शिंदे ने की बागी विधायकों के साथ आपातकालीन बैठक, भविष्य की रणनीति पर मंथन। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट के बीच बोले संजय राउत, गुवाहाटी में मौजूद सभी विधायक बागी नहीं, गुवाहाटी में 11 जुलाई तक करें आराम। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है, एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी है। संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ, पूछा महाराष्ट्र में सरकार बना कौन रहा, बीजेपी या सेंट्रल एजेंसी। जमीन घोटाले में संजय राउत को फिर ईडी का समन, पूछताछ के लिए 1 जुलाई को बुलाया गया। संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया था, राउत ने 7 जुलाई तक मांगा है वक्त। उदयपुर में गला काटकर हत्या मामले में सियासी वार पलटवार तेज, ओवैसी बोले घटना शर्मनाक, राजस्थान सरकार करे कार्रवाई, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसका कंडेम किया जाए, उसका कंडेम करना चाहिए, राजस्थान की सरकार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जो इंडियन पीनल कोड में कानून में गुंजाइश है उन पर एक्शन लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा यह पहली घटना नहीं, आतंकी सोच की पनाहगार है गहलोत सरकार। पवन जी, पहली घटना नहीं है, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई है, इस ढंग के आतंकवादी अतिवादी तत्व आकर कोई इतनी बड़ी हरकत कर देते हैं, उसका कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी की हत्या की कड़ी निंदा, सरकार से जुर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की गुजारिश। कल हुई थी राजस्थान के उदयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर युवक की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में दिनदहाड़े दुकान में घुसकर युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया कत्ल। हत्या के बाद आरोपियों ने बनाया वीडियो, वीडियो में सरकलम करने की कही बात। हत्या के बाद बनाए गए वीडियो में सरतन से जुदा नारा लगाते दिखे आरोपी।
उदयपुर में हुई हत्या पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया का बयान, कहा हत्याकांड में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। क्योंकि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे। युवक की हत्या के बाद सीएम अशोक गहलोत का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अशोक गहलोत ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया भरोसा। अशोक गहलोत ने लोगों से हत्याकांड का वीडियो शेयर ना करने की अपील की, कहा माहौल खराब ना होने दें। दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए। उदयपुर की घटना पर राज्यवर्धन राठौर का ट्वीट, लिखा तालिबानी स्टेट की ओर बढ़ता जा रहा है राजस्थान। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स के बेटे ने की थी पोस्ट, जिस पर भड़के थे हत्या के आरोपी। युवक की हत्या से उदयपुर में उबाल, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का गहलोत सरकार पर हमला, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। हाँ, प्रदेश का मुखिया अभी भी शांति और सद्भाव की अपील कर रहा है, ये उनका दोहरा चरित्र है कि किसी की हत्या की सर कलम करने पर लाश पर राजनीति करना लानत है ऐसी कुर्सी पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा राजस्थान में तुष्टिकरण की सीमा लांग गई है गहलोत सरकार। राजस्थान के धवल इतिहास पर कालिख पोतने के जितने अब तक अवसर हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के एक और उदाहरण के माध्यम से। देवबंद में एनआईए की छापामारी, संदिग्ध आतंकियों के आधार कार्ड बनाने से जुड़ा मामला। अरब सागर में पवनहंस हेलीकॉप्टर क्रैश, ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों सहित 4 की मौत। फैक्ट चेकर जुबैर को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। भोपाल में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में भरी हुंकार, बीजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, शिवलिंग का अपमान करने वाली पोस्ट करने पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी को फांसी देने की मांग। हिमाचल के मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लिया हिस्सा, आजादी में सरदार के योगदान को किया याद। पंजाब में संगरूर के नवनिर्वाचित सांसद सिमरजीत सिंह मान हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में किया क्वारंटीन, संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने को कहा। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने अपनी जीत को योगी मॉडल की जीत बताया। उत्तर प्रदेश के शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिगड़े बोल, योगी मोदी पर दिया विवादित बयान। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना का विरोध किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया विधानसभा के मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान, बुधवार को विधानसभा परिसर में देंगे धरना। एमपी के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई की शराब दुकान हटाने की चेतावनी, कहा हटाई नहीं गई दुकान तो आग लगा दूंगा। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा का मामला, आरोपी जावेद पंप के घर बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले दुल्हन की तरह सजाई गई बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा, उज्जैन से आए कारीगर बेंगलुरु से मंगाए गए विशेष फूलों से कर रहे श्रृंगार। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह, खुफिया एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी सायका दिया था इनपुट, जिसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश के सागर में मोबाइल और पर्स चोरी से नाराज छात्रा का गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा, आत्महत्या की धमकी देते हुए कॉलेज की छत पर चढ़ी लड़की। मौके पर पहुंचे एसपी ने लड़की को काफी देर तक समझाया लेकिन नहीं मानी लड़की, पुलिस एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने एहतियात के तौर पर लड़की के कूदने के लिए लगाया बड़ा सा जाल।
लड़की ने कॉलेज पर लापरवाही के आरोप लगाए। डेढ़ घंटे तक चले ड्रामे के बाद एक पुलिसकर्मी ने लड़की को बातों में उलझाते हुए एक झटके में नीचे उतार लिया। बिहार की बेगूसराय में कई लोगों पर हमला कर चुके सांड को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सांड। करीब 25 लोगों ने सांड पर काबू पाने के लिए की घंटों मशक्कत। काफी देर बाद लोगों ने सांड को बांस और डंडों के जरिए रोका और उसे गिराकर नाक लगाकर छोड़ा। ऑपरेशन सांड का वीडियो वायरल। हरिद्वार में हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला का गंगा में पुल से छलांग लगाने और गंगा में तैरने का वीडियो वायरल। हर की पैड़ी के ऊंचे पुल से बिना डर के छलांग लगाने वाली महिला की उम्र 70 साल। गंगा में छलांग लगाने के बाद तैरते हुए आगे निकली बुजुर्ग महिला। कुछ लड़कों को पुल से छलांग लगाते देख महिला ने कूदने का बनाया मन। महिला पर कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 3 दिन पहले टिकट काउंटर से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप जारी। ईटानगर में पानी का तेज बहाव सहन नहीं कर पाने की वजह से गिरा पुल। बलिजन में अचानक आई बाढ़ से एक शख्स की मौत। ईटानगर के नाहरलगुन में बाढ़ और भूस्खलन से 2 महिलाओं की मौत। असम अरुणाचल सीमा के होलोंगी में 4 लोग लापता। एनडीआरएफ ने बरामद किया एक महिला का शव। केदारनाथ धाम में कूड़े के ढेर में लगी आग। सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले सुलभ इंटरनेशनल को कारण बताओ नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों को प्रशासन ने शराब पिलाने की दी छूट। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच ने अपराधियों को फिल्मी स्टाइल में किया गिरफ्तार। हाईवे पर बुलडोजर खड़ा करके ऑपरेशन को दिया अंजाम। वीडियो वायरल। बिहार के छपरा में सदर एसडीएम के बॉडीगार्ड ने सर्विस पिस्टल से की खुदकुशी। पुलिस ने सुसाइड लेटर के आधार पर पारिवारिक विवाद का जताया अंदेशा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिनदहाड़े मां बेटी की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच बढ़ेगी आगे। राजस्थान के बाड़मेर में चचेरे देवर पर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप। पीड़ित महिला ने की आत्महत्या। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाबालिग से दरिंदगी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। बोईसर तारापुर एमआईडीसी में आग के दौरान हुए कई धमाके। केमिकल कंपनी में आग लगने के बाद 7 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। दमकल की कई गाड़ियों ने की आग पर काबू पाने की मशक्कत। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से की 7 लाख की लूट। कंकरखेड़ा थाना इलाके के दिल्ली देहरादून रोड पर वारदात। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाशों को कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के इंदौर में नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी मैनेजर की तलाश जारी। असम की करीमगंज में 50 लाख की ड्रग्स जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। कई लोगों को शिकार बनाने वाली बाघिन पिंजरे से कैद हुई। हरिद्वार की सड़क पर गुलदार का वीडियो वायरल। हिल बाईपास रोड का बताया जा रहा वीडियो। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू। नॉन मेटल ऑब्जेक्ट का पता लगाने में सक्षम। फुल बॉडी स्कैनर लगाने से शरीर में सामान छिपाकर ले जाने वालों का पता चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था में मिलेगी मदद।